एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज नंबर 1.4 पर हम आज जो है डिस्कशन करेंगे। इसका सॉल्यूशन हम वन बाय वन हर एक क्वेश्चन का करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम सेट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, सेट्स है ना। अगर आपको जानना है कि सेट्स क्या है वो, उसके लिए आप जो है एक्सरसाइज नंबर 1.1 का इंट्रोडक्शन वीडियो आप लोग देख लीजिए, वहाँ से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और इस लेक्चर को समझने के लिए 1.4 का इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों के लिए बना रखा है, ठीक है। उसमें मैंने सारी की सारी चीज़ें डिस्कशन किया है, क्या हमारा इंटरसेक्शन होता है, क्या हमारा यूनियन होता है, वो उसमें आप लोगों को बता रखा है। यहाँ हम सिर्फ क्वेश्चन पर फोकस करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हम यहाँ बेसिक चीज़ें नहीं बताएंगे, ठीक है। इसीलिए आपको अगर सीखना है ये चैप्टर अच्छी तरह से, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग देखिए इस लेक्चर को। अगर नहीं आता है तो इंट्रोडक्शन का वीडियो आप लोग ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। देख ले, अपना जो बेसिक है उसको स्ट्रांग बना लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आ जाइए। चलिए, अब समय ज़्यादा हम वेस्ट नहीं करेंगे और जो है जल्दी से इसके सारे के सारे जो क्वेश्चंस है उसको हम वन बाई वन पुट अप करेंगे और सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम जो है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, आपको यूनियन निकालना है। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट हम यहाँ पर करते हैं। देखिए, आपको यूनियन निकालना है। एक एक्स आपका सेट दिया गया है जिसमें ये बता रखा है कि एलिमेंट 1, 3 और 5 है, और दूसरा एक सेट आपका वाई दे रखा है जिसमें बता रखा है कि एलिमेंट आपका 1, 2, 3 है, ठीक है। आपको यूनियन निकालना है। मैंने आपको सिंपल बताया था कि यूनियन को हम, अगर x और y में यूनियन निकालना है तो x यूनियन y हम इस प्रकार से दिखाते हैं। यूनियन का मतलब क्या है कि भैया सारे के सारे जो एलिमेंट आएंगे ना सब आ जाएंगे चपेटे में, दोनों सेट के एलिमेंट जितने भी वो चपेटे में सब आ जाएगा, बस सिर्फ कॉमन एलिमेंट एक ही बार लिखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं, 1 इसमें भी है, इसमें भी, इसका मतलब कॉमन है, एक बार लिखा जाएगा 1। उसके बाद 2 इसमें है, इसमें नहीं है। 3 देखिए इसमें भी, इसमें भी, इस एक बार लिखा जाएगा 5, ठीक। तो ये हमारा यूनियन बन गया। उसके बाद दूसरा जो है, इसमें दूसरा क्वेश्चन, इसमें ये बता रखा है एक सेट ए है जिसमें जो एलिमेंट्स है ए ई आई ओ यू है, ए ई आई ओ यू है, और एक सेट इसमें बी दे रखा है जो कि ए कॉमा बी कॉमा सी है, ठीक है। अब ए यूनियन बी निकालना है, आपको पता ही है कि सारे के सारे एलिमेंट लिखा जाएगा ए बी सी ई आई ओ यू, ठीक है, यही एलिमेंट्स आ जाएगा। देख लीजिए, आप कोई एलिमेंट इसमें रिपीट ना हो, चेक यही करना है आपको, ठीक। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन इसमें है, तीसरा जो है इसमें आपका वही सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है, ए है, इसमें बता रखा है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, एंड मल्टीपल ऑफ 3। उसके बाद बी सेट आपका गिवन है, ए सेट क्या हो जाएगा, ए सेट क्या हो जाएगा, ए सेट आपका देखिए 3 का मल्टीपल का मतलब क्या है, 3, 9, मतलब जितने भी 3 के टेबल में एलिमेंट्स आएंगे वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे, 12, 15 है ना, सारे के सारे नंबर आ जाएंगे। बी सेट पर बात करते हैं, बी सेट सेट बिल्डर फॉर्म में भी दिया हुआ है, क्या दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर लेस देन 6, ये बता रखा है। तो बी सेट क्या हो जाएगा, बी सेट हो जाएगा नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि लेस देन 6। तो ए यूनियन बी अगर मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 3 आ गया है, 6 नहीं आया है, 9 जो है नहीं आया है, 12, 15 और इस प्रकार के आगे नंबर हमारा आता जाएगा जो टेबल में आ रहा है 3 के, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो चुका है। फोर्थ नंबर देखते हैं, फोर्थ नंबर क्या कहा है इसमें, ए जो है एक सेट है आपका एक्स सच दैट एक्स जो है आपका नेचुरल नंबर है,
है ना, नेचुरल नंबर है। और जो एक्स का वैल्यू है मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा देख लेना इसको, हाँ क्वेश्चन को सही से। तो इसमें क्या क्या एलिमेंट आ सकता है, एक्स का वैल्यू वन से ज़्यादा होना चाहिए, नेचुरल नंबर में से ही होगा एक्स सारा, एक्स का वैल्यू वन से ज़्यादा होना चाहिए, सिक्स के इक्वल और उससे छोटा, तो इसका मतलब टू आ सकता है, थ्री फोर फाइव और सिक्स भी आ सकता है। बी सेट इसमें क्या कहा है, नेचुरल नंबर है वही बी सेट, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और जो एक्स का वैल्यू है वो बता रखा है कि सिक्स से ग्रेटर है और टेन से, टेन है ना, टेन से लेस है। तो क्या क्या एलिमेंट आ सकता है, सेवन एट नाइन, टेन से लेस, तो नेचुरल नंबर बोला तो सेवन एट नाइन ही आ जाएगा। यूनियन की हम बात कर रहे हैं तो यूनियन क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी, क्या आएगा भैया, सारे के सारे एलिमेंट आ जाएगा, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ठीक है। होप कि आप लोगों को जो है क्लियर हो चुका है। उसके बाद जो है फिफ्थ वाला देखते हैं, फिफ्थ वाला तो बहुत सरल है, ए एक एलिमेंट, ए जो है एक सेट दिया है वन टू थ्री और बी एक सेट दिया हुआ है फाइव, तो यूनियन क्या होता है कि अगर मैंने आप लोगों को बताया था ये चीज़, ठीक है, यूनियन आप लोगों को मैंने बताया था कि किस कभी भी अगर किसी सेट का फाइव के साथ अगर हम यूनियन निकालते हैं तो उस कंडीशन में जो है ए यूनियन बी हमारा ए ही आ जाएगा, ठीक है, ए यूनियन बी हमारा देखिए ए ही आ जाएगा वन टू थ्री, क्योंकि सेट में तो कोई एलिमेंट नहीं है लेकिन लेना तो हम सबको है, तो ये आ जाएगा हमारा ए यूनियन बी। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब देखिए, अब हम चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर, जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड ही है, एक ए सेट आपका दिया हुआ है, इसमें ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, और बी सेट आपका गिवन है ए बी सी, ठीक है, सॉरी ब्रैकेट थोड़ा सा गलत बन गया, ए बी सी, ठीक है। इज ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्या ए जो है बी का सबसेट है, ए जो है बी का सबसेट है, हम कह सकते हैं कि मतलब सबसेट का मतलब क्या है कि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो बी में होना चाहिए, तो ए भी है बी भी है, इसका मतलब यस सबसेट है। व्हाट इज ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होगा, पहला तो हो गया ए यूनियन बी हमारा क्या हो जाएगा, सारे के सारे एलिमेंट ए बी सी, मतलब टोटली हमारे पास बी ही आ गया। तो क्या चीज पता लग रहा है यहां से कि अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी हमारा बी ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ ए एंड बी आर टू, देखिए वही क्वेश्चन आ गया थर्ड नंबर क्वेश्चन जो अभी बताया मैंने आपको, पढ़ते देखिए थर्ड नंबर क्या है, इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी देन व्हाट इज ए यूनियन बी, ये कह रहा है कि ए और बी जो है, ए और बी जो है आपका दो सेट है, ए अगर बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी हमारा क्या होगा, क्या आया था, ए अगर ए और बी दो सेट है, ए जो है बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी हमारा क्या आया था, बी आया था, देखिए बी सेट आया था तो बी ही हो जाएगा यहाँ पर, आ रहा समझ में, ये इसका आंसर हो जाएगा पर्टिकुलर। क्वेश्चन नंबर फोर है, इफ ए बी सी डी जो है आपका सेट दिया हुआ है और उसमें आपको जो है बताना है ए यूनियन बी यूनियन सी, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर में आपका एक ए सेट गिवन है, क्या है, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, एक बी सेट गिवन है जो कि आपका दे रखा है थ्री फोर फाइव सिक्स, थ्री फोर फाइव सिक्स, बहुत सरल है। ए बी सी सेट आपका एक दिया हुआ है जो कि फाइव सिक्स सेवन एट दिया है, फाइव सिक्स सेवन एट, और एक डी सेट आपका दिया हुआ है, क्या है, ए सेवन एट नाइन टेन, सेवन एट नाइन टेन, ठीक है, सेवन एट नाइन टेन। तो चलिए अब हम जो है क्वेश्चन पर आते हैं, फोर्थ का फर्स्ट देखिए क्या है, ए यूनियन बी निकालने के लिए बताएं, तो बहुत सरल है, सारे के सारे एलिमेंट आ जाएगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इसमें ए यूनियन सी निकालना है, क्या है ए यूनियन सी, देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ठीक। थर्ड नंबर बी यूनियन सी पूछा है, तो बी और सी का यूनियन देखिए थ्री फोर फाइव सिक्स, फाइव सिक्स इसमें भी है तो सेवन एट आ जाएगा,
फोर्थ नंबर बी यूनियन डी पूछा है, बी यूनियन डी पूछा है, तो बी हमारे पास क्या आ जाएगा, बी और डी में ना 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिफ्थ नंबर ए यूनियन बी यूनियन सी, बहुत सरल है। सबसे पहले तो आप ए का यूनियन बी के साथ निकाल लो, फिर उसका यूनियन सी के साथ निकाल लो। ये भी एक तरीका है, आप ए यूनियन बी निकाल लीजिए। देखिए ए यूनियन बी क्या आया था, ए यूनियन बी क्या आया था, ये है ना ए यूनियन बी, और उसका यूनियन सी के साथ निकाल दो। तो सबसे पहले तो ए यूनियन बी लिख लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और सी के साथ यूनियन, सी के साथ यूनियन निकाल, ए यूनियन बी का, देखिए ए यूनियन बी का सी के साथ यूनियन निकालना है, तो सी हमारे पास क्या है 5, 6, 7, 8, तो 5, 6 हो गया, 7, 8 आ गया, तो ऐसे हमें निकालना है। उसके बाद फिफ्थ सिक्स्थ नंबर देखते हैं, सिक्स्थ नंबर में ये कहा है ए यूनियन बी यूनियन डी, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, आप लोग उसको करिए, ठीक है, आप कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। उसके बाद सेवेंथ नंबर, ये भी वही है, बी यूनियन सी यूनियन डी, इसका भी आप खुद करिए और कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताइए कि क्या आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 अबव, ठीक है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में ये कहा है कि भाई क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आपको इंटरसेक्शन निकालना है, बहुत सरल है। देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1 में आपका एक सेट एक्स दे रखा है जो कि 1, 3, 5 है, बुक आप लोग देखते रहिएगा, और वाई आपका एक सेट है जो कि है 1, 2, 3 है। तो मैंने बताया था कि इंटरसेक्शन का मतलब है इस प्रकार का साइन, और जो है इसका मतलब है कि कॉमन एलिमेंट आ जाएगा दोनों सेट में से, तो दोनों सेट में कॉमन क्या है, 1, 3, 5, 1, 3, तो 1 और 3 हमारा जो है कॉमन है, ठीक है। सेकेंड नंबर फिफ्थ का सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, इनकी फर्स्ट का सेकेंड, वही ए आपका दिया हुआ है ए ई आई ओ यू, और बी आपका दिया हुआ है ए बी सी, ए बी सी, तो आपको बताना है कि ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि इनके बीच का कॉमन, ए देखिए कॉमन आ रहा है, बी सी नहीं है इसमें, तो ए ही एक ऐसा एलिमेंट है, सिंगलटन सेट बन गया है, मतलब सिंगलटन सेट आप लोगों को शायद मैंने बताया नहीं था, लेकिन सिंगलटन सेट का मतलब यही होता है कि ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल एलिमेंट हो, मतलब एक ही एलिमेंट हो, उसको सिंगलटन सेट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है थर्ड नंबर है ना, आप फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखिए, इसमें यही कहा है कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन है आपका फर्स्ट नंबर में, इससे पहले जो फर्स्ट नंबर हमने किया था ना, उसमें जितने भी क्वेश्चन है उसका आपको इंटरसेक्शन निकालना है। क्वेश्चन फर्स्ट में ही बताया गया था कि सारे के सारे जो सेट है उसका आपको यूनियन निकालना है, लेकिन हमें अब जब फिफ्थ नंबर कर रहे हैं तो उन्हीं सेट के इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक। थर्ड नंबर क्या है, नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 6, तो एक ए सेट देखा था हमने यहाँ पे, आप लोग देख लीजिएगा वही सेट है, ये आ जाएगा 3 का मल्टीपल वाला, और बी जो सेट होगा वो यहाँ पर दे रखा नेचुरल नंबर लेस देन 6, इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5 लेस देन 6 आ गया, ठीक। अब कॉमन आना है ए इंटरसेक्शन बी में से दोनों का कॉमन, दोनों का कॉमन आ क्या आ जाएगा, देखिए 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, और किस कॉमन आ रहा है भैया, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो 3 आ जाएगा। उसके बाद जो है फोर्थ नंबर में यहां पर दे रखा है ए सेट आपका जो है 2, 3, 4, 5, 6, और एक बी सेट आपका दे रखा है, बी सेट आपका दे रखा है 7, 8, 9, 10, तो नहीं हो सकता है, 10 से लेस है ना, तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, आप लोग देख सकते हो, तो यहाँ आ जाएगा आपका 5, ठीक है, होप कि आप लोगों को क्लियर हो रहा है। उसके बाद जो है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, चलिए देखते हैं कि 1, 2, 3 ए सेट है और एक जो है बी सेट आपका 5 दिया हुआ है, तो मैंने बताया था आप लोगों को ये प्रॉपर्टी जब आप लोगों इंट्रोडक्शन में आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था, तो उस टाइम जो है ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ए इंटरसेक्शन 5 आपका 5 ही होता है, तो ये चीज़ आपका रहता है, ठीक है, और आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो चुका है। अब हम जो है
क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे। ये पार्ट वन हमारा वीडियो लेक्चर था, पार्ट सेकंड में इसके बाकी जो पार्ट्स है वो हम डिस्कशन कर लेंगे। वीडियो लेंदी ना हो इसलिए इसको आज जो है यहीं पर हम खत्म करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में आपको जो है बाकी क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। सो अगर चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक, ताकि आने वाली जो हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन है आपको पहले मिल सके। और जो है अगर लगता है कि ये चैनल आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो आप लोग अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी इसको शेयर ज़रूर करें ताकि और बच्चों को भी इससे हेल्प हो सके, है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।